वेल, सीरियल गंगा में आए इस बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ के पीछे है एक बड़ी वजह। दरअसल सागर की मौत के बाद गंगा अकेली हो गई है। सागर ने जाते जाते शिव से कहा था गंगा का ख्याल रखने, पर गंगा को शिव से कोई लगाव ही नहीं है। वो अभी भी सागर की ही याद में रहती है। शिव हर वक्त गंगा का साथ दे रहा है। शिव गंगा का भला ही चाहता है, पर गंगा ने शिव को अभी तक समझा ही नहीं। उसे लगता है कि शिव उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहता है। गंगा को शिव का उसके साथ रहना भी पसंद नहीं है, और गंगा ने सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला शिव पर कि वो राम नहीं बल्कि रावण है, और गंगा के लिए इतना सब करने के बाद ये सुनकर शिव से रहा नहीं गया। और गंगा को रियलाइज करवाने के लिए इसलिए आज शिव ने गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अनीता भाभी के हस्बैंड विभूति नारायण मिश्रा की सीरियल में हो गई है मौत। क्यों हो गए ना हैरान? आपकी तरह हमें भी लगा था झटका। लेकिन आपको बता दे कि सीरियल में विभूति की मौत का रचा है झूठ ड्रामा। खुद अनीता भाभी और विभूति ने मिलकर, वो भी इंश्योरेंस की रकम पाने की खातिर। और आज अनीता भाभी ने अपनी पति की मौत की झूठी शोक सभा बुलाई है, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग पहुंचे हैं विभूति जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वेल, अनीता के इस शोक सभा में जहां एक तरफ सभी दिखे व्हाइट ड्रेस में, तो वहीं अनीता भाभी दिखी पति की मौत के बाद शोक सभा में एकदम ही स्टाइलिश लुक में। वहीं इस शोक सभा में पहुंचे खुद विभूति नारायण, लेकिन विभूति के दूर के चाचा बनकर एकदम अलग ही अंदाज में, और आकर बैठे हैं अनीता के पास और देते हैं उन्हें संतवाना। अनीता की ग्लैमरस शोक सभा है। एक्चुअली ये रियल में शोक सभा नहीं है, मतलब अनीता को पता है कि उसका हस्बैंड मरा नहीं है और ये उसी का प्लान है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ गया। और जैसे अनीता है फैशनेबल, तो उसने सोचा कि चलो वाइट साड़ी है तो मैं अपनी वाइट चमचम साड़ी निकाल लूँ, मैं अपने चमचम ईयरिंग्स पहन लूँ और मैं फुल अपने ग्लैमर में बैठी हूँ, क्योंकि भाई कुछ भी हो स्टाइल के पूरे नंबर मिलने चाहिए। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.